वेलकम बैक टू माई चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल। सो गाइज, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस ब्यूटीफुल टाइविस्ट अबाया। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। सो गाइज, यहाँ हमने मीडियम साइज 3 लेयर फ्रिल हिजाब ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। आप चाहो तो इसको अबाया भी बोल सकते हो। एंड गाइज, इस अबाया को वेस्ट से टाई करने के लिए हमने यहाँ पर हैंडमेड बेल्ट रेडी की है। आप चाहो तो अबाया को लूज भी वेयर कर सकते हो, इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर चॉइस। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको लूज अबाया ही पहनना पसंद है। आई ऑल्सो प्रिफर टू वेयर लूज अबाया। एंड गाइज, दिस हिजाब ड्रेस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन। हमने सारे ही स्टेप्स को 1 by 1 ईजिली एक्सप्लेन करते हुए इस अबाया को डिज़ाइन किया है। सो प्लीज़, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू डिज़ाइन दिस काइंड ऑफ ड्रेस, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डिज़ाइन दिस। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ही आई एम यूजिंग 4 मीटर हैवी जॉर्जेट फैब्रिक। यू कैन ऑल्सो यूज़ अनदर फैब्रिक लाइक क्रिंकल करेब और ऑर्चिड फैब्रिक। आप एनी टाइप ऑफ फैब्रिक यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए 4 मीटर हैवी जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया था। सो फर्स्टली बॉडीज या टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ फैब्रिक को 2 फोल्डेड कर लिया है, जिसकी लेंथ 15 इंचज एंड विथ 12 इंचज। सो गाइज, फर्स्टली हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच इंच पर हम शोल्डर मार्क करेंगे। देन आर्म होल के लिए हम 7.5 इंचज का मार्क करेंगे। सो गाइज, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज, आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है लाइक दैट। आफ्टर दैट हम बस्ट या फिर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। सो गाइज, यहाँ हमने 12 इंचज बस्ट मार्किंग की है, जिसमें अबाउट 1.5 इंचज लूजिंग ऑलरेडी ऐड कर ली है। देन यहाँ वेस्ट के लिए हम 10.5 इंचज का मार्क करेंगे, जिसमें 1.5 इंचज लूजिंग ऑलरेडी ऐड है। सो गाइज, दोनों ही मार्किंग को करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हमने शोल्डर पर 1/2 इंचज का डाउन मार्क कर लिया था। देन गाइज, जो मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने 2 फोल्डेड फैब्रिक ले लिया है, जिसकी लेंथ 15 इंचज है सेम। सो फर्स्टली गाइज, इस फैब्रिक को हम मिड से कट कर लेंगे इस तरीके से। सो बेसिकली गाइज, हमने फ्रंट पार्ट के लिए पैकेट्स की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद गाइज, ही आई एम यूजिंग आयरन पेपर। सो आयरन पेपर की एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे, जिसकी विद अबाउट 1.5 इंचज है। इसको हमने 1/2 इंचज पीछे की ओर करते हुए रख लेना है। दोनों ही साइड्स में हमने दोनों स्ट्रिप्स को रखते हुए इसको आयरन कर देना है। आयरन करने के बाद गाइज, ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। सो गाइज, आफ्टर दैट हमने इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो आप यहाँ देख सकते हो, हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद जो 1/2 इंचज के करीब का फैब्रिक निकला था, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस पर स्टिचिंग लगा देनी है। एंड गाइज, प्लेकेट्स के दोनों ही साइड्स में स्टिचिंग लगानी है। फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ हम इस पर स्टिचिंग लगाकर फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे। सो गाइज, हियर यू कैन सी हमने प्लेकेट्स की दोनों ही साइड्स में 1/1 स्टिचिंग लगाते हुए फ्रंट पार्ट के लिए प्लेकेट्स कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, अब हमने बैक पार्ट का यूज़ करते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। सो जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, उसको एज इट इज़ हमने फ्रंट के दोनों पार्ट्स के ऊपर रख दिया है। एंड रखने के बाद इसको इजीली हमने सिंपली कट कर दिया है। सो गाइज, अब हमने नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक भी 3 इंचज पर मार्क करेंगे। नेक डीप के लिए हमने यहाँ पर 4 इंचज का मार्क किया है। एंड बैक नेक डीप के लिए हम 3 इंचज का मार्क करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की विड्थ एंड लेंथ ले सकते हो। सो गाइज, हियर यू कैन सी बैक पार्ट के लिए हमने 3 इंचज का मार्क लगा लिया है। अब मार्किंग करने के बाद गाइज, हमने फर्स्टली बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर देनी है। आफ्टर दैट हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। सो बैक पार्ट हमने एक साइड कर दिया, इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। नाउ वी विल डिज़ाइन नेक लाइन। सो गाइज, नेक लाइन की डिज़ाइनिंग करने के लिए ही आई एम यूजिंग ए स्ट्रिप, एंड जिसकी विद अबाउट 1.5 इंचज है। स्ट्रिप को हम 2 फोल्डेड करते हुए इस तरीके से रख लेंगे। एंड रखने के बाद इस पर 1 टाइम स्टिच कर देंगे। वैसे ही सेकेंड पार्ट पर भी हम इस स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखेंगे। देन अगेन हमने 1 टाइम इस पर स्टिचिंग लगा देनी है।
बैक पार्ट की नेक की डिज़ाइनिंग भी गाइज इसी तरीके से करनी है। जो स्ट्रिप हमने फ्रंट पार्ट में यूज़ की है वही सेम स्ट्रिप बैक में रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर देंगे। सो गाइज हियर यू कैन सी हमने फ्रंट पार्ट को वन टाइम स्टिच कर दिया है, फ्रंट पार्ट के नेक को। देन उसके बाद स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और सेकेंड स्टिचिंग लगा देंगे, इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो दोनों ही पार्ट्स की स्ट्रिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए वन टाइम इसको स्टिच कर देना है। सो गाइज यहाँ हमने नेक स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए वन मोर टाइम स्टिच कर लिया है। देन गाइज इसके साथ ही हमने बैक पार्ट की भी नेक लाइन कंप्लीट कर ली है इसी ही मेथड से। आफ्टर दैट गाइज दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए एक साथ रख लेना है। सो फर्स्टली गाइज हम इसको शोल्डर से स्टिच करेंगे, देन अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने दोनों पार्ट्स की साइड्स को एक साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। एंड फाइनली यहाँ हमने शोल्डर्स एंड अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स की साइड्स को स्टिच कर दिया है। आफ्टर द टाइम टर्निंग इट इनटू राइट साइड, राइट साइड में टर्न करने के बाद गाइज यू कैन सी इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। नाउ वी विल डिजाइन बॉटम पार्ट। सो गाइज यहाँ हमने बॉटम पार्ट की डिजाइनिंग के लिए 3 मीटर फैब्रिक से ऑलरेडी 3 फील्ड्स को कट कर लिया है। यू कैन सी दीज आर द 3 फील्ड्स। सो गाइज यहाँ पर हम वन बाय वन सारी ही फील्ड्स के मेजरमेंट देख लेंगे। सो थर्ड फील्ड जो बॉटम फील्ड है उसकी विड्थ 17 इंचेस एंड लेंथ 3.5 इंचेस। सो बेसिकली गाइज बॉटम फ्रिल को हमने 3 मीटर फैब्रिक से कट किया था, सो इसकी लेंथ 3 मीटर ही थी। इसमें हमने 1/2 मीटर लेंथ वाइज फ्रिल और अटैच कर दी जिसकी वजह से इसकी टोटल लेंथ 3.5 मीटर हो गई। नाउ गाइज हम सेकंड फ्रिल की मेजरमेंट देख लेंगे। सो सेकंड फ्रिल विद इज 14 इंचेस एंड लेंथ 2 मीटर। आफ्टर दैट गाइज जो हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल यानी कि जो टॉप में फ्रिल अटैच होगी उसकी भी देख लेंगे, इसकी विद 11 इंचेस एंड लेंथ 1 मीटर। सो बेसिकली यहाँ 1/2 मीटर के हमारे पास 2 पीस थे जिसको हमने फर्स्ट एज ए फर्स्ट फ्रिल यूज़ किया था। सो गाइज अब हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट डालते हुए इसको एडजस्ट कर लेना है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सो गाइज यहाँ हमने छोटी छोटी प्लेट्स ही डालते हुए इसको गैदरिंग किया था। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पास पास गैदरिंग भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ज़्यादा फैब्रिक यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ हमने ओनली 3 मीटर फैब्रिक ही यूज़ किया था, इसलिए हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालकर ही गैदरिंग्स की थी। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने तीनों ही फ्रिल्स में प्लेट गैदरिंग कर ली है। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो डू थ्रेड गैदरिंग, बोथ आर इजी टू डू, बट थ्रेड गैदरिंग एडजस्टेबल होती है, इजीली एडजस्ट हो जाती है। सो गाइज यहाँ हमने तीनों ही फ्रिल्स को सीक्वेंस वाइज 2 फोल्डेड करते हुए रख लिया है। एंड बेसिकली गाइज जब हमने फ्रिल्स में प्लेट्स की गैदरिंग की है उसके बाद इसकी लेंथ क्या हो गई है हम वो दिखाएंगे आपको। सो यहाँ फर्स्ट फ्रिल को हमने 2 फोल्डेड करते हुए रखा है जिसकी लेंथ यहाँ पर 17 इंचेस आई है। वैसे ही सेकेंड फ्रिल को 2 फोल्डेड करते हुए रखा है एंड सेकेंड फ्रिल की लेंथ 21 इंचेस है। सो बेसिकली गाइज गैदरिंग करने के बाद फ्रिल की लेंथ कभी भी एक्यूरेट नहीं आती, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर वे ऑफ द प्लेट। आपने किस तरीके से इसमें गैदरिंग की है, थ्रेड गैदरिंग या प्लेट्स गैदरिंग की है, किस तरीके से गैदरिंग की है उस पर डिपेंड करता है। सो गाइज यहाँ हमने दूर दूर वाली प्लेटिंग की थी जिसके बाद बॉटम फ्रिल की लेंथ 35 इंचेस आई थी। सो गाइज यहाँ हमने अब तीनों ही फ्रिल्स को वन बाय वन एक साथ स्टिच कर लेना है। आई होप गाइज आपको सारे ही स्टेप्स इजीली समझ आ रहे होंगे अभी तक। सो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने टॉप या बॉडीज रेडी करके रखी थी उसको हमने फर्स्ट फ्रिल के साथ वैसे स्टिच कर लेना है। आफ्टर दैट हमने सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही फ्रिल्स को स्टिच कर लेना है। थर्ड फ्रिल को नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए ऑल अराउंड स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने टॉप के साथ बॉटम की सारी ही फ्रिल्स को स्टिच कर लिया है, बॉटम फ्रिल्स को नीचे से भी फोल्ड करते हुए ऑल अराउंड स्टिच कर लिया है। एंड गाइज इसके बाद हमने टॉप में बटन्स को ऐड करना है। सो गाइज हियर आई एम यूजिंग ब्लैक कलर बटन जो हमने पार से रेडी करवाए हैं। ये बटन्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितने भी अटैच कर सकते हो, पास पास या दूर दूर जैसे भी चाहो। सो गाइज यहाँ हमने वन साइड में बटन्स ऐड करने हैं एंड सेकंड साइड में आप हुक या फिर काज भी बनवा सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज इस तरीके से हमने बटन्स को स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ वी विल कट स्लीव्स। सो गाइज यहाँ हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी दिस इज अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फर्स्टली इसकी जो विड्थ है वो 10 इंचेस एंड फैब्रिक लेंथ आई मीन स्लीव की जो हम लेंथ रखेंगे वो 18 इंचेस। सो फर्स्टली हम ऊपर की तरफ से 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे। देन गाइज हमने आर्म होल की शेप दे देनी है लाइक दैट।
सो गाइज यहाँ हमने आर्म होल की जो विड्थ ली है वो 10 इंचेस ली है, जिसमें हम शोल्डर में ऊपर की तरफ से एक दो प्लेट्स डालेंगे। वैसे ही हमने रिस्ट में भी प्लेट्स डालनी है, इसलिए हमने रिस्ट पर 9 इंचेस का मार्क किया है। एंड इस तरीके से हल्की सी हम स्लीव की शेप देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो गाइज इस स्लीव के शोल्डर एंड बॉटम में हम कुछ प्लेट्स बनाएंगे। सो गाइज इस तरीके से यू कैन सी हमने दोनों ही स्लीव्स को कट कर लिया है। सो फर्स्टली हम वन स्लीव की डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए एक स्लीव को एक साइड कर देंगे। तो गाइस स्लीव की डिज़ाइनिंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आप शोल्डर में प्लेट्स डालेंगे सो आपको इतनी ही प्लेट्स डालनी है, जिससे कि प्लेट्स डालने के बाद शोल्डर राउंड या फिर आर्म होल राउंड वो अबाउट 16 इंचेस आ जाए। वैसे ही हमने रिस्ट में करना है। सो गाइस जब हम रिस्ट में प्लेट्स डालेंगे तो इस तरीके से इतनी ही प्लेट्स डालेंगे जिससे कि रिस्ट की राउंड लेंथ अबाउट टू 12 इंचेस आ जाए। सो गाइज इस तरीके से हमने इसको आलपिन का यूज़ करते हुए हमने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी हैं। एंड गाइज ये प्लेट्स डालने के बाद आपको रिस्ट एंड शोल्डर राउंड को एक बार ज़रूर मेज़र कर लेना है। सो गाइज अब हमने दोनों ही तरफ से इसको वन टाइम स्टिच कर लेना है। सो हियर गाइज हमने जो प्लेट्स शोल्डर्स एंड रिस्ट में बनाई थी उनको स्टिच कर लिया है। आफ्टर दैट हमने स्लीव को टू फोल्डेड करते हुए रख लेना है। देन नीचे की तरफ से अबाउट 3 इंचेस का एक मार्क लगाएंगे एंड इस मार्क के जस्ट ऊपर तक ही हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर लेना है। आफ्टर दैट गाइज हमने इसमें कव बनाएंगे। कव बनाने के लिए हमने जो 3 इंचेस का ये ओपन वाला पार्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए वन टाइम स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव को साइड से स्टिच करते हुए बॉटम से भी स्टिच कर लिया है, जहाँ हमने 3 इंचेस का मार्क किया था। आफ्टर दैट गाइज हमने कव की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए एक फैब्रिक पर हमने पेस्टिंग पेपर को ऑलरेडी आयरन कर लिया है। एंड आयरन करने के बाद गाइज हम इसको टू फोल्ड कर लेंगे। टू फोल्ड करने के बाद जो इसकी मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगी। सो इसकी ऊपर वाली साइड से इसकी लेंथ 10 इंचेस एंड बॉटम साइड से इसकी लेंथ 9 इंचेस एंड टू फोल्डेड होने के बाद कफ विथ 3.5 इंचेस रहेगी। सो गाइज अब हमने कफ को अटैच कर लेना है। सो जिसके लिए हमने कफ को राइट साइड से फोल्ड करते हुए उल्टे साइड में हम इस पर स्टिचिंग देंगे। सो गाइज कफ के दोनों ही साइड्स में हमने वन टाइम स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज हियर यू कैन सी हमने दोनों ही साइड से कफ को स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग करने के बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। सो इस तरीके से हमने इसको टर्न कर लेना है। किसी सीजर या फिर पेन की हेल्प से कफ के कॉर्नर्स को हमें बाहर निकाल लेना है, लाइक दैट। सो गाइज यहाँ हमने कफ को राइट साइड में टर्न कर लिया है एंड टर्न करने के बाद इसको टू फोल्डेड करते हुए स्लीव में अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। एंड गाइज हमने जो स्लीव का बॉटम वाला पार्ट है जिसमें प्लेट्स डाली हैं उसको हमने कफ के वन फैब्रिक के साथ स्टिचिंग कर लेना है। तो गाइज यहाँ हमने कफ के वन फैब्रिक या कफ की वन साइड के साथ स्लीव के बॉटम को स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग करने के बाद हम इसको बाहर की तरफ पुल करेंगे एंड इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने कफ के वन साइड में स्लीव्स के बॉटम के जो गैदरिंग वाला पार्ट है उसको स्टिच कर लिया है। दूसरा वाला साइड ओपन है। दूसरी साइड में गाइज ये जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए कफ के ऊपर एक और स्टिचिंग लगा देंगे, इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने कफ पर एक और प्रेस स्टिच लगा दी है। नाउ आई एम टर्निंग इट इंटू राइट साइड। सो गाइज हमने स्लीव को राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो जैसे कि हमने ये स्लीव रेडी किया है वैसे ही हम सेकेंड स्लीव भी रेडी कर लेंगे। सो फाइनली इसकी रेडी लेंथ जो है वो 20 इंचेस है। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब स्लीव्स को शोल्डर्स के साथ स्टिच करते हुए इस ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे एंड साथ में ही इसकी बेल्ट भी रेडी कर लेंगे, विच इज़ ऑप्शनल। सो गाइज अगर आप बेल्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको लूज़ भी पहन सकते हो, लूज़ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने स्लीव्स को शोल्डर के साथ स्टिच करते हुए इस ड्रेस को रेडी कर लिया है एंड जो बटन हमने फ्रंट में प्लेकेट्स में यूज़ किए हैं वही सेम बटन हमने स्लीव्स के कफ में भी अटैच कर लिए हैं। एंड इसके साथ हमने एक बेल्ट भी रेडी की है, विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो लूज़ भी पहन सकते हो, अदरवाइज किसी भी बेल्ट से इसको टाई करके फिटिंग कर सकते हो। एंड गाइज हियर यू कैन सी द फाइनल लेंथ। इस अबाया की कंप्लीट होने के बाद जो टोटल लेंथ आई है वो 53 इंचेस आई है।
एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस हिजाब ड्रेस और अबाया। यू कैन कंसिडर वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहो वो समझ सकते हो। प्लीज़ मुझे ऐसे कॉमेंट नहीं करिएगा कि ये अबाया नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है। सो गाइज, इसके साथ अगर आपने हमारे फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है सो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइबिंग अबाउट चैनल and keep loving and supporting as you always do। so guys, first channel पर भी हम काफ़ी new and trending dresses share करते रहते हैं। so guys, यहाँ हमने इस dress को इस छोटे से time में, इस छोटी सी video में सारे steps को clear करने की कोशिश की है। now it's time to go and just before going I just want to say take your good care, do whatever you want to do but do only good things and thanks for watching, bye bye।